कर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे एक दिन बहुत अच्छे से उनके बेसिक पॉइंट पे हमारी चर्चा आपके साथ हुई थी और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो उन सारे कॉन्सेप्ट, उन सारे फार्मूलों को एक साथ लेते हुए, उनके इस्तेमाल करने के तरीकों को एक साथ लेते हुए हम आज क्वेश्चंस का श्री गणेश करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 पे आज काम करेंगे। इनके क्वेश्चंस को, इनकी क्वेश्चंस की वैरायटी को हम देखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके। तो आइए फटाफट, क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 पे आज की चर्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, आप अपनी बुक अपने साथ जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम ना वेस्ट हो, और आप बुक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी बुक एनसीईआरटी की अपने साथ जरूर रखिए, तब आपको शायद ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है मैंने आपसे एंटी डेरिवेटिव के बारे में बहुत ही डीप में जाकर चर्चा की थी कि डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, और किसी भी फंक्शन की जो इंटीग्रल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम क्या, इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका होता है, मतलब उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव होता है। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन 2x, ये क्वेश्चन है, और साइन 2x का हम इंटीग्रेशन अगर फाइंड करें तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ओवर साइन 2x dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हम साइन 2x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखते हैं लेट, ये जो हमारा 2x है, ये 2x, ठीक है, आपने साइन x का जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो फार्मूला आपके पास क्या है, कॉस एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा था। तो साइन 2x dx लेट, इसमें देखिए इस डायरेक्ट फार्मूले से अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो ये 2x इससे कहीं अलग है, यहां x है यहां 2x है, तो लेट 2x को हम t कंसीडर करेंगे, जिसको हम t कंसीडर करते हैं हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड तो d बाई डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, 2 आपका कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा 1 होगा, ठीक है, तो इक्वल टू यहां पर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इस डी एक्स को हम क्या करेंगे यहां पे ले लेंगे जहां पे 2 है और 2 को वहां भेज देंगे जहां पे डी एक्स है, यानी कि डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए क्या है यहां साइन, सिंपल 2x को आपने क्या लिया है टी, फिर से क्या है dx, तो dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, इस 1 अपॉन 2 को हम एज ए कांस्टेंट बाहर करते हैं, अंदर क्या हो जाएगा sin t dt। अब sin x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो sin t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1/2 माइनस कॉस t प्लस सी होगा। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका माइनस का कॉस टी, टी आपने किसको लिया था, टी आपने लिया था 2x को, तो 2x प्लस सी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने 2x को क्या ले लिया, टी ले लिया, फिर उसको दोनों तरफ हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टी, 2 इज द कॉन्स्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, देन 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हमें इस डी एक्स को का रिजल्ट चाहिए क्योंकि हमने इसको t में चेंज किया है, तो हमें t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी एक्स को डी टी में बदलने का ये सबसे बेहतरीन और नायाब तरीका, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, तो हमने साइन 2x को t रखा, dx को dt by 2 रखा, 1/2 को एज ए कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले लिया,
तो sin t dt और सिंपल डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और फटाफट इसका ये आंसर आ गया, ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब मान लीजिए इसका सेकंड क्वेश्चन एक ऐसे है, cos 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा लेट 3x को हमें क्या करना है, t लेना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 3d by dx of x equal to dt by dx, तो ये 3 is equal to dt by dx, then dx is equal to 1/3 dt, dx is equal to 1/3 dt, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x को आपने क्या लिया था, 3x को आपने लिया था t, dx क्या आ गया, ये आ गया 1/3 dt, तो 1/3 को खींच के बाहर करिए फटाक से और ये आ जाएगा cos t dt, और cos t का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, cos t dt, अगर आपने x के नाम से पढ़ा था, चलो आप खुश हो जाओ x के नाम से बना देते हैं, cos x dx is equal to sin x plus c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 sin t + c, ये रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए जरा फटाफट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है e to the power 3x, इसको इंटीग्रेट करना है, वेरी सिंपल, कैसे, लेट 3x को क्या लेंगे हम, t, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड d by dx ऑफ t, ठीक है ना, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का, x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा और इक्वल टू dt by dx हो जाएगा, dx को जब हम इधर लेंगे तो ये 1/3 dt हो जाएगा। अब यहां से देखिए ना, e to the power 3x को क्या लिया था आपने, t लिया था, तो क्या हो जाएगा, e to the power t dx है, तो dx के प्लेस पर आप क्या रखोगे, 1/3 dt, अब ये 1/3 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, e to the power t dt। अब आपके पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था e की पावर e to the power x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e की पावर x होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 e to the power t + c, वापस वैल्यू डाल दो, किसकी, t का है, खटखटाओ बुलाओ, क्या 3x + c, तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड क्वेश्चन और ये तुम्हारा हो गया सेकंड क्वेश्चन और ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन बड़े आसान थे और लगभग एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चन थे, साइन 3x साइन x के बेस पर या साइन 2x dx आपने किया, cos x के बेस पे जो फार्मूला था वो cos 3x जैसा एक क्वेश्चन आ गया, फिर e की पावर 3x जैसा क्वेश्चन आ गया। तो बात को समझने की आप कोशिश करिए, बात को समझने की कोशिश करिए, जैसे साइन 2x का जो आपने इंटीग्रेशन निकाला वो क्या निकाला, वो निकाला माइनस का cos 2x अपॉन 2 + c, ठीक है, फिर आपने किसका, फिर आपने cos 3x का जो इंटीग्रेशन निकाला वो क्या निकाला, वो निकाला आपने sin 3x अपॉन 3 + c, फिर आपने e to the power 3x का जो इंटीग्रेशन निकाला वो आपने क्या निकाला, e to the power 3x अपॉन 3 + c। आप देख रहे हो जैसे sin x, cos x और e to the power x, ये तीन फार्मूलों पे बेस्ड होकर हम गए, तो जो x का कोफिशियंट था क्वेश्चन में एक्चुअली 2, वो आपका नीचे आ रहा है क्या डिनोमिनेटर में, यहां पर 3x था तो 3 आपका डिनोमिनेटर में आया, वहां पर भी देखिए e की पावर 3x में वहां भी 3x था तो यहां भी आपका 3 डिनोमिनेटर में आ गया। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आगे जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे और ये एक छोटा सा स्टेप बन के आएगा तब आप इतना, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप इनको एक्सप्लेन करें, तो ये ध्यान रखिए, इन चीजों को आपको दिमाग में बैठाना है कि फटाक से इसका इंटीग्रल कभी किसी क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेप बन के अगर आया तो आपको फट से ये वैल्यू डालनी होगी। यहां तो चलिए एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग पॉइंट था, पहली एक्सरसाइज थी, तो हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ टू एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x। लेकिन जब आगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो ये छोटा सा
स्टेप मात्र होगा, तब आप उस स्टेप को एक्सप्लेन थोड़ी ना करने जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने से ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, फिर हम इनको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, इनको आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आजकल तो जमाना बढ़िया है। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक पॉलिनोमियल है ये, फटाफट पॉलिनोमियल को कैसे करोगे, लेट देखिए, एक तो आप ऐसे करिए, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आप इसको फटाफट ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, आइडेंटिटी पढ़ी है बहुत छोटी क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए यहां पर और इसको ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स, ये बिल्कुल सीधी सीधी आइडेंटिटी ओपन हो गई। अब आप ऐसा करिए, इन सब का इंटीग्रेशन ना अलग अलग कर दीजिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स प्लस टू ए बी एक्स डी एक्स, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा, बट a स्क्वायर विल बी द कांस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रल से बाहर खींच लेंगे। तो a स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डी एक्स, यहां पे b स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा डी एक्स, और यहां पर 2ab बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स डी एक्स। अब देखो ना, ए स्क्वायर ये वही रीढ़ की हड्डी वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन, क्या होता है फार्मूला याद करो, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यही फार्मूला होता है। तो इसी से बुद्धि लड़ाओ, क्या होगा एन की जगह पे सिर्फ टू रखना है, तो एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, अंदर क्या है डी एक्स, सिर्फ वन है, तो वन को आप क्या लिख सकते हो भाई, वन को एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं ना, तो एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी जब जब कभी डी एक्स हो तो एक्स आएगा बच्चे, जब डी वाई हो तो वाई आएगा बच्चे, डी जेड हो तो जेड आएगा बच्चे, ये समझ लो कैसे, ये मैंने यहां पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो b स्क्वायर यहां पर क्या है, यहां पर x आ जाएगा, 2ab x टू दी पावर क्या है, जब कोई पावर ना हो तो 1, और ये n हो गया, इसी फार्मूले से क्या बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो लेना भूलिएगा भी नहीं, अदरवाइज नंबर x स्क्वायर ये 2 एंड 2 कैंसिल्ड आउट, तो आ गया क्या a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस क्या आया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ, ये हो गया इसका प्रोसेस जो आपको इसको इंटीग्रेट करना था, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये हमने रफ कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 को मैं इधर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपको इंटीग्रेट करना है साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x। देखिए बहुत आराम से, मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर करी थी, आपके साथ डिस्कस किया था कि बहुत पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया आपने, तीसरा किया, मैंने कहा अभी ये कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, इनको तो मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, लेकिन ये कभी किसी क्वेश्चन का एक हिस्सा हो सकते हैं, उसके सल्यूशन का हिस्सा हो सकते हैं, उनमें एक स्टेप बन के आते हैं, तो स्टेप को थोड़ी ना कोई एक्सप्लेन करने जाता है, वो तो बस जल्दी से क्लियर रास्ते से होते हुए, सही रास्ते से होते हुए आप निकलिए। देखिए इसको क्या करेंगे, इनको दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, जैसे साइन 2x dx माइनस 4 e टू दी पावर 3x
dx. अब अभी आपने साइन 2x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, सिंपल सी बात है. अब अगर कई सारे स्टेप में आपने किसी फंक्शन को स्प्लिट कर दिया हो तो हर जगह इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आता, आखिरी में आता है बस, लास्ट में एक बार. तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अभी ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था और आपको क्लियर हो गया होगा. फिर माइनस ये 4 आपका बाहर आएगा, अंदर बचेगा e टू दी पावर 3x dx. तो आगे बढ़ोगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e टू दी पावर 3x, ये थर्ड क्वेश्चन था और आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था. तो क्या आया था उसका रिजल्ट, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी. तो ये हो गई इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 की. आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने दोनों को क्या किया है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग करने के बाद इनको इंटीग्रेट कर दिया. कौन सा फार्मूला लगा, कैसे लगा, वो मैंने हर एक चीज पहले एक्सप्लेन कर रखी थी, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को, उनके रिजल्ट को पुट करना जरूरी समझ लिया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट. ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये है बेस, इंटीग्रेशन का बेस. तो एक बेसिक एक्सरसाइज इसको बोल सकते हो, 7.1 एक्सरसाइज इज द बेसिक एक्सरसाइज फॉर द इंटीग्रेशन. यहां से आप इंटीग्रेशन के पहले पायदान को टच कर सकते हो, लेकिन पहला पायदान टॉप तक जाने के लिए कितना जरूरी होता है, ये हर मेहनती बच्चा बहुत अच्छे से जानता है. ठीक है, तो क्या है, 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx, बहुत आसान है, दोनों को अलग अलग करना है. कैसे, 4 e टू दी पावर 3x dx अलग कर देंगे, 1 dx अलग कर देंगे, है ना, बहुत बढ़िया. ठीक है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, घसीट के बाहर करो इंटीग्रल के. ऐसे e टू दी पावर 3x dx प्लस 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को अपने समझने के लिए x टू दी पावर 0 लिख लीजिए. तो 4 अभी e टू दी पावर 3x फिर से आया, फिर से e टू दी पावर 3x अपॉन 3, ठीक है, प्लस x टू दी पावर 0 का क्या होगा, 1, और 1 का अभी मैंने बताया था dx x टू दी पावर 0, ये आ जाएगा आपका x प्लस सी, डन. ये हो गया, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा. उसके बाद यहीं पे लगे हाथ हम कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रेकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रेकेट के अंदर मैं ले जाता हूं, कैसे, मल्टीप्लाई करके. तो मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, ये भाई साहब जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जाएगा कैंसिल, हो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया. अब इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर लोगे, कैसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग माइनस 1 डी एक्स अलग, बहुत बढ़िया. तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अब तो बहुत आसान हो गया है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 फिर 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी, दैट्स इट, कहानी इसकी खत्म हो गई. बिल्कुल छोटा सा, हलवा सा, नन्हा सा, प्यारा सा क्वेश्चन था और अच्छे अच्छे बच्चों को, और नहीं नहीं सब बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है. आपका तो विश्वास ही है कि आपको समझ में आ गया. ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और हम इसको यहां से हटा देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप एक बार कर चुके हो. क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. सबको अलग अलग कर दो, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग प्लस बी एक्स डी एक्स अलग प्लस सी डी एक्स अलग, बहुत बढ़िया. ए तो कांस्टेंट है ना, कहां जाएगा, इंटीग्रल से बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स. बी कांस्टेंट है, कहां जाएगा, इंटीग्रल से बाहर, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स. सी कांस्टेंट है, बाहर, अंदर बचेगा डी एक्स.
अब ए एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, फिर से लिखता हूं, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी एक्स टू दी पावर वन है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यहां पर क्या है डी एक्स है तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, तो यहां है, चलो इस कॉन्स्टेंट को आप ले लो डी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या ले लेते हैं डी ले लेते हैं। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान करने वाली या कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। फार्मूला दिमाग में रखो, क्वेश्चन कहता है भाई मैं हो जाऊंगा आपसे, ठीक है? तो फार्मूलों को अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, और खाली फार्मूलों को रटना ही नहीं है, उनका कब किस वक्त कहां इस्तेमाल होना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब पता होता है, बस वही ना, करत करत अभ्यास से। हां, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। एकदम आसान है, वही सब फिर करना है, अलग अलग कर दो ना, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्या है, 2 कांस्टेंट है, घसीट के बाहर करो इंटीग्रल के, ठीक है? तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, कर दिया 2x स्क्वायर डी एक्स। ये है ना फार्मूला अपना, फटाफट यूज करो, कहानी खत्म करो, एक्स क्यूब अपॉन थ्री और ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सब बच्चों वाला खेल चल रहा है, लेकिन बच्चों वाला खेल जब हमें अच्छे से आता है तभी हम बड़ों के खेल खेल सकते हैं। तो अगर हमें आगे के बड़े बड़े खेलों में अपना इंटरेस्ट बड़ा करना है तो छोटे छोटे खेलों को तवज्जो देना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये हो गया ना डन डना डन डन। अब आगे चलते हैं हम किस पे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देखना, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्या है, आपको आइडेंटिटी किस लिए सिखाई गई है कि आगे चल के आप इस्तेमाल करें, आज इस्तेमाल करो, कल इस्तेमाल करो, और जब चीजें क्लियर हो जाएं तब विश्वास करो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, रूट एक्स का, तो एक्स हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, वन अपॉन रूट एक्स का, तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। माइनस टू ए बी, माइनस टू ए मतलब रूट एक्स और बी मतलब वन बाई रूट एक्स, ये भाई साहब तो हो जाएंगे कैंसिल और ये डी एक्स यहां लग जाएगा। चलिए तो इसका मतलब एक्स बचा, वन अपॉन एक्स बचा, माइनस टू बचा, ये डी एक्स हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब सबको अलग अलग करना है, बिल्कुल बिल्कुल जानी समझी बात। कैसे, एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स और माइनस ये टू डी एक्स, क्या करना है, बिल्कुल एक्स पे पावर वन है, एक्स पर पावर वन है, तो ये फार्मूला, अरे ये तो खो गया, एक्स टू दी पावर एन वाला, वही 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 बैकबोन फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन एक्स का लॉगरिथमिक फंक्शन याद आया, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स माइनस ये टू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा डीएक्स, क्या बताया था एक्स टू दी पावर जीरो बना सकते हैं। तो इसको एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो गया आपका इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यहां पर ऐसे मॉड एक्स लग जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा आपका, ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ये है तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्या करना है, ये भाई साहब को इन तीनों भाई साहब के साथ अलग अलग कर दो, ठीक है? चलिए एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर अलग कर दिया,
फिर प्लस 5x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर अपॉन में अलग कर दिया, माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर अलग कर दिया। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे ही एक्चुअली रहा होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके ऐसा बनाया गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर एक ऐसे कट जाएगा तो क्या बचेगा x, यहां एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या बचेगा 5, और यहां पर ये 4 टू द पावर x की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए, एक्स का अलग कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, 5 dx अलग हो जाएगा, 4x टू द पावर माइनस 2 dx ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या है, x टू द पावर 1 है, वही सब पुरानी धुरानी चीजें, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 बाहर आएगा x हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। कैसे भाई, x टू द पावर माइनस 2 x टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लीकेबल है, तो n के प्लेस पे क्या है माइनस 2 है, तो सिंपल सी बात है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है ना, वो अलग की कहानी है, उसको ना मिला देना, कोई भरोसा थोड़ी ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस टकराएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x और ये आ जाएगा प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 को नीचे लिखेंगे प्लस सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये आपका इसका रिजल्ट हो गया, और बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, सब मैथ्स के बच्चे हैं और मैथ्स तो रग रग में भरी है, बह रही है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है उसको भी उड़ाते हैं और खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, वही है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। चलिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी के जैसी है एकदम, सबको अलग कर दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स dx प्लस 3x अपॉन रूट एक्स dx प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx, क्लियर। अब देखो रूट एक्स क्या है, स्क्वायर रूट हटाओगे पावर 1/2 लगाओगे, ठीक है लगा दो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस ये प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 dx, यहां 4 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 dx। जब बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है कब, जब बेस सेम हो, बच्चों वाली प्रॉपर्टी है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 में से 1/2 जाएगा, 3 माइनस 1/2 dx, यहां पे क्या होगा x की पावर 1 है तो 1 माइनस 1/2 dx, यहां पर क्या है x टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा ऊपर जाके dx। अब ये क्या बनेगा x टू द पावर 2 3 जा 6 में से बन गया 5/2 dx, फिर ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है dx प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1/2 dx। अब ये क्या होगा x टू द पावर n का फार्मूला लगाइए तो क्या होगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस 4 ये क्या होगा x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्या सॉल्व कर लोगे इसको, हिम्मत पड़ रही है मेरी कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, रिजल्ट इसका बना लोगे, ठीक है ना, बना लेना, फिर इतना तो विश्वास ही है कि इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा विश्वास है मुझे, कर जरूर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जल्दी देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स,
चलिए देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डीएक्स। देखो ना, इतना तो फैक्टराइजेशन क्लास नाइन्थ तक आपने सीख लिया होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे बच्चे, साफ साफ एक्स स्क्वायर। तो ब्रेकेट में क्या बचने वाला है, बचा लो जल्दी, एक्स माइनस वन। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो याद करो क्या होता था, वन, वन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, उसमें दिखाई दे रहा है क्या, ये ब्रैकेट आपका एक्स माइनस वन कॉमन, अगले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, जल्दी बचाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही तो हो रहा है, अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये भाई साहब यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे दोनों, बोले हम चलो हम सेम सेम है, भाग चलते हैं यहां से, खत्म करो ये सब जंजाल, बहुत भारी है। ठीक है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो ना कितना बढ़िया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और वन का एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, याद करो एक्स डी एक्स का एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। देखो कितना बढ़िया से हो गया, बहुत आराम से, बहुत हलवा प्रॉब्लम, हलवा प्रॉब्लम ही आने वाली अगली एक्सरसाइजेज में आपका हेल्पिंग हैंड बनने वाली हैं। ये बात अगर आप भूल गए तो आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वो भूल गए और उसके बिना कदम डगमगा जाएंगे। इसलिए छोटी चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अपनी अपनी बुक में अपनी अपनी नजरों को गड़ाकर रखना, बिना बुक के फिर काम चल नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है क्या, 1 माइनस एक्स एंड अंडर रूट एक्स डी एक्स। क्या करेंगे ना बच्चे, इसको उठा के 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया ना, डी एक्स लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे ना बच्चे, एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया खत्म। रूट है, रूट है, एक्स टू दी पावर एन के फार्मूले में जाके उसको मैचअप करना है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा एक्स टू एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स, और यहां एक्स पे पावर वन है और यहां एक्स पे पावर वन बाई टू है। जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाती है, तो इसकी पावर वन, इसकी वन बाई टू। वन बाई टू कब आएगी, जब स्क्वायर रूट रिमूव किया जाएगा तब 1 बाई टू आएगी, तो 1 प्लस 1 बाई टू इज एक्स पावर 3 बाई टू डी एक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन 1 बाई टू प्लस 1। हाउ इज इट पॉसिबल, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एक्स टू दी पावर एन फार्मूला, वी आर यूजिंग द बैकबोन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। What is the expanded form of this formula? X to the power n plus 1 upon n plus 1 is the expanded form of this formula. Is it okay? Yes, is it okay? Minus x to the power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c. छोटा है ना इस बार, इसलिए हाँ, x to the power 1 by 2 plus 1, this is 3 by 2, this is 3 by 2, x की पावर 2 1 जा 2, this is 5 by 2, this is 5 by 2, प्लस सी, पलट दो, पलट सकता है, 2 एक्स टू दी पावर 3 बाई टू अपॉन 3, ये भी पलट जाएगा, 2 एक्स टू दी पावर 5 बाई टू अपॉन 5 प्लस सी। थोड़ा और ये सॉल्व हो सकते हैं, रूट रूट वगैरह में चेंज करके ले जा सकते हो, बट एज यू विश, इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व सम मोर स्टेप्स देन यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव एट दिस प्लेस, दिस इज एनफ फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग कहां चलते हैं फिर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, अरे 14 लिखा है ना, इसके बाद बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन 15, चलिए 15 पे क्या है, होगा वही बिल्कुल एकदम बेसिक वाला, बेसिक ज्ञान ले रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन का,
ये मत समझिएगा कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। कितना जितना भी हो रहे हो उससे ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के बेसिक ज्ञान पे चल रहे हैं। ठीक, क्या है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, थ्री एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स हटाओगे, वन बाई टू पाओगे, तैसे यहां की पावर में वो वन बाई टू एड कर ले जाओगे। फिर प्लस यहां डी एक्स लगा दो, फिर प्लस टू एक्स की पावर वन है, यहां पे क्या है वन बाई टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, वेरी सिंपल। फिर प्लस थ्री रूट एक्स यहां आएगा तो एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स, वेरी सिंपल। है ना, समझ में आ गई होगी बात, क्या है ये तो बच्चों का खेल है। ठीक, तो थ्री बाहर आ जाएगा क्योंकि थ्री इज द कॉन्स्टेंट वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रल। ठीक, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर टू टू जा फोर वन फाइव बाई टू डी एक्स, टू बाहर आएगा x टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स, थ्री बाहर आएगा x टू द पावर वन बाई टू डी एक्स, बहुत आसान। फिर थ्री एक्स टू द पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन, फिर प्लस टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, फिर थ्री एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, क्या है ना बिल्कुल आसान। तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स टू द पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू प्लस टू एक्स टू द पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी, क्लियर है ना। ये टू पलट कर ऊपर आ जाएगा तो सिक्स एक्स टू द पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो फोर एक्स टू द पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव, ये टू पलट कर ऊपर जाएगा तो टू थ्री जा सिक्स एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री प्लस सी, क्लियर है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल बच्चों वाला सोल्यूशन। अब आपका दिमाग एक्सपीरियंस्ड हो गया है, अनुभवी हो गया है, तो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को ना, जैसे ओपनर बल्लेबाज जब क्रीज पे जाता है तो उसको पहली गेंद इतनी बड़ी होते हुए भी उसे इतनी बड़ी नजर आती है, फिर वो 10 बॉल खेलता है, 20 बॉल खेलता है, 40 बॉल खेलता है, उसके बाद वो इतनी बड़ी बॉल, उसको कहते हैं ना फुटबॉल नजर आती है, फिर चाहे जहां फेंको कैसी भी फेंको, बाउंसर फेंको, ऑफ स्पिन फेंको, लेग स्पिन फेंको, अरे आई एम रेडी फॉर ऑल द टाइप ऑफ बॉल्स, हम सबके लिए तैयार हैं, हम सबको खेलेंगे, क्योंकि खेलते खेलते हमारे अंदर एक अजब सा अनुभव आ गया है, तो वही करते करते एक अजब सा अनुभव आ गया है। चलिए इस अजब से अनुभव का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है चलिए देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। चलिए इनको सबको अलग करो ना, उड़ाओ सबको, सेपरेट कर दो, कह दो अलग हटो, बहुत दिनों से एक में हो। ठीक, 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx, ठीक है, 2 कांस्टेंट, ये बचा x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx, ठीक है, 2 x टू द पावर 1 है ना, तो फटाक से क्या मारोगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, थ्री कॉन्स्टेंट है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, साइन एक्स होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दावर एक्स होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। चाहो तो इसको उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो ना, उड़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन, ओके होना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या है कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बहुत हलवा सी प्रॉब्लम होगी कोई, कौन सी, चलिए 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। चलिए
क्या है, सबको अलग अलग करो, सब एक साथ बहुत दिनों से हैं, इंटीग्रेट करना है तो अलग कर दो। टू कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का डी एक्स अलग करो, थ्री कांस्टेंट बाहर साइन एक्स का डी एक्स करो, फाइव बाहर रूट एक्स का डी एक्स करो, टू बाहर है एक्स स्क्वायर में एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कॉस एक्स। फाइव रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या होता है, ये अंडर रूट, चलो कर देते हैं यार, रूट हटाया पावर वन बाई टू लगाया तो ये टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा थ्री कॉस एक्स, और ये प्लस फाइव एक्स टू द पावर वन बाई टू है तो वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, तो यह आ जाएगा टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। था ही क्या इसमें, इतनी देर से क्यों परेशान है, इसलिए कि आपको इंटीग्रेशन का बेसिक ज्ञान हम दे सकें। और इन सब चीजों जो इतना एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना, आने वाली एक्सरसाइजेज में अगर ऐसे स्टेप आए तो फटाफट इनकी डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू रखी जाएगी। तो सीखने के दिन आज हैं, सीख लो, हमेशा सीखने के दिन नहीं मिलते, ये हमेशा ध्यान रखना। और मेरी इस बात को सिर्फ यहीं से नहीं, अपनी लाइफ से कनेक्ट करना। जो चीज सीखने की वक्त के, जो चीज सीखने का वक्त जब होता है, कोशिश करो उस चीज को उसी वक्त सीखो, वक्त से पहले और वक्त के बाद, या तो वक्त पीछे रह जाता है या वक्त आगे निकल जाता है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, ढूंढो इसको फटाक से, ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिग्नोमेट्री की बाहर आई है sec x प्लस tan x dx, वेरी सिंपल, sec x को इसमें मल्टीप्लाई करो ना फटाक से, क्या हो जाएगा स्क्वायर sec x, ठीक है, फिर प्लस sec x को इसमें मल्टीप्लाई करो ना, क्या हो जाएगा sec x tan x dx। सीधे सीधे तो फार्मूले हैं यार, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे ये जिसका डिफरेंशिएशन होता होगा, जिसका ये डिफरेंशिएशन होता होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव। ये जिसका डिफरेंशिएशन होता होगा इसका इंटीग्रेशन वही होगा क्या, sec x प्लस सी। कहानी खत्म। अच्छा तो कहानी खत्म तो फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, और क्या, कहानी जब खत्म हो गई तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, ठीक है, वेरी सिंपल। क्या करते हैं, बच्चों वाला खेल करते हैं, sec स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो साइन स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसको क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स लिखोगे डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का तो फार्मूला याद है सर, टेन स्क्वायर का तो आपने बताया नहीं, हाँ वाकई नहीं बताया, लेकिन आपको जुगाड़ बताता हूँ, और वो जुगाड़ कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, वो जुगाड़ आपने बहुत पहले पढ़ लिया है। क्या, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो आप ना इधर की रिश्तेदारी उधर मिलाओगे जाके, तो थोड़ा कनेक्शन बहुत बना देते हो ना आप लोग, तो कनेक्शन से जरा दूर। टेन स्क्वायर एक्स है, इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर दो, आपको आइडेंटिटी पता है ना टेन स्क्वायर एक्स की, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है, हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है ना क्या, टेन एक्स, और वन का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस सी, कहा हो गया काम खत्म। इसका नहीं फार्मूला पता था, इनके तो पता थे, तो हमने इनको क्या किया, ब्रेक कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में तो हम ज्ञानी ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो हम मास्टर ही हैं, तोड़ फोड़ के कुछ भी करो हम उनको तोड़ताड़ के कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18, 19 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसी क्या खास बात है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको ना इन दोनों के साथ अलग अलग कर दो। अभी तक ऐसे ही जो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में थे यही करते चले आ रहे हैं। क्या 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दिया, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दिया, इसमें 2 बाहर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसमें 3 बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, टेन एक्स माइनस 3, और टेन स्क्वायर एक्स को अभी मैंने बोला था ऐसे तोड़ सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो ये हो गया 2 टेन एक्स माइनस 3, क्या माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपके साथ साझा किया। 2 एमसीक्यू बचे हैं, ट्राई करिएगा, अदरवाइज हम तो है ही हैं, हम तो बता ही देंगे कि कैसे होगा, लेकिन थोड़ी कोशिश खुद से भी बनती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। साइकिल जब आपने सीखी होगी तो आपकी साइकिल का जो हैंडल है ना, आपसे बहुत समय तक बेटा बैलेंस नहीं हुआ होगा। जब आप साइकिल पे चढ़ते थे तो हैंडल ही आपको लेकर जाती थी, कभी इधर घूम गई इधर गिर गए, कभी इधर घूम गई इधर गिर गए, लेकिन वो हैंडल आपने साइकिल सीखते समय शायद नहीं सोचा होगा कि हैंडल का बैलेंस होना ही एक्चुअली साइकिल का सीखना है। और आप चलाते गए, आप गिरते गए, आप चलाते गए, आप गिरते गए, एक दिन ऐसा हुआ कि साइकिल आपसे चली, फिर आप उस दिन गिरे नहीं, हैंडल आपसे डगमगाई नहीं, क्यों, क्योंकि आप चलाते रहे, आप चलाते रहे, आप चलाते रहे, आप चलाते रहे। तो इन सब चीज़ों से इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकता है। क्या अगर मैं यहाँ से कनेक्ट हो जाऊँ, तो ये सवाल बहुत छोटे थे, बहुत ही बारीक थे, हो सकता है कि जिनको आ रहे हों उनको इनको देखने में सुनने में थोड़ी सी बोरियत फील होती हो, लेकिन ये वही साइकिल सीखती हुई साइकिल की डगमगाती हुई हैंडल की तरह है कि अगर आपने इन पे अपनी डगमगाहट को कायम रखा तो आने वाले जो बड़े बड़े सवाल हैं ना, आने वाली जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं ना, उन पे आपकी साइकिल चलना जरा मुश्किल हो जाएगी। और अगर आपने इस डगमगाहट को कंट्रोल कर लिया, उस हैंडल पे अपना बैलेंस बना लिया, तो आने वाली सड़कें आने वाले रास्ते कैसे भी हों, आपकी साइकिल के हैंडल ना तो डगमगाएगी और ना साइकिल आपकी गिर पाएगी। आप इंटीग्रेशन के एक परफेक्ट क्या होंगे, अरे मेरे बच्चों स्टूडेंट हो, बड़े प्यारे बच्चे हो, मिलते हैं नमस्कार एक ब्रेक के बाद।